हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे हो। आज है भाई दूज, सभी को मेरी तरफ से हैप्पी भाई दूज और अच्छे से मनाना। उसके इस वाली वीडियो को इतना शेयर करना ताकि आज के दिन हर बहनों के पास ये वाली वीडियो जाए, हर बहने मोटिवेट हो, हर भाई मोटिवेट हो उस वाली वीडियो को देखने के बाद। अब मैं आपको दिखाऊंगा अपनी बहन को आज मैं क्या गिफ्ट देना चाहता हूँ। चलो कोई नहीं, आराम से तू कर, आराम से भैया। चलो फास्ट रखा है भाई, देख रहे हो बहन ने कितनी छोटी है, मेरे लिए फास्ट रखा अपने भाई की लंबी उम्र करने के लिए। एक बहन का दुख है ना, एक बहन ही समझ सकती है। एक भाई की खुशी एक बहन समझ सकती है। जिस टाइम भी कोई भाई अगर कोई अच्छा काम करेगा ना, तो बहन के मुंह में अलग ही खुशी होती है। बहन चाहती है कि मेरा भाई बहुत तरक्की करे, बहुत कुछ करे, बट हम भाई अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाते। आज का दिन होता है रक्षाबंधन का दिन होता है, जिस दिन अपनी बहन को कुछ तोहफा दिया जा सकता है। आप भी अपनी बहन को तोहफा दो हिंदुस्तान के अंदर जितना हो सके। तो भाई टीका कर रही है और भाई मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि ये त्योहार भगवान कृष्ण जी की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में बनाया जा रहा है। अगर कृष्ण भगवान ऐसा नहीं करते तो शायद हिंदुस्तान में हमारे ऐसा त्योहार नहीं बनता। और ये जो त्योहार है ना, बहुत ही बड़ा त्योहार है हिंदुस्तान के अंदर, इससे बड़ा त्योहार कोई नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। भैया दूज और रक्षाबंधन, अगर ये दो त्योहार ना हो ना, तो शायद भाई भाई बहन का प्यार कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहने अपने घर से अपने घर आती है अपने भाई को गोला देने के लिए, मिठाई देने के लिए क्यों आती है? एक खुशी रहती है अपने अंदर के लिए। सभी को भाई हैप्पी भाई दूज और भाई बहन का कितना अच्छा प्यार। चलो थैंक यू। और भाई ये है गोला, आप लोगों को तो पता ही है कि भैया दूज वाले दिन गोला दिया जाता है। वैसे गोला कोई काम नहीं होता, बट एक खुशी की वजह से टीका विका लगा के। तो मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ अपनी बहन को आज। तो मम्मी देखते हैं भाई क्या गिफ्ट देगा आज मेरा भाई। मम्मी आग बंद करो पहले भाई। सभी को भाई सभी को इतना अच्छा, आराम से सभी को इतना अच्छा भाई दे और मेरे लिए टाइम निकाल के दिखाया है। पहला गिफ्ट भाई, सबसे पहला गिफ्ट ये है, ठीक है? ये लो भाई। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, फ्लावर पोट है। अच्छा। हमेशा बोलती थी ना मेरे को अपने कमरे में फ्लावर लगाना है। मेरे को ये फोन चाहिए, मेरे को आईफोन चाहिए। आईफोन बांध दे दूंगा तेरा गिफ्ट। तो ले मम्मी आईफोन तोड़ पहले, आईफोन करो मम्मी जी आप पहले। आईफोन लो, एक एक गिफ्ट है अभी। अच्छा। मैं खोल इसको आराम से खोल कर देख लेना, बहुत ही महंगा गिफ्ट है, ठीक है? भाई जितनी मेरी हैसियत थी मैं दिया अपनी बहन से, जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने अपनी बहन को गिफ्ट दिया। पर मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे एक रुपए का गिफ्ट दो या दस रुपए का गिफ्ट दो, अपनी बहन को कुछ तो कुछ ना दो। आईफोन तो कैसे भी लेके मानूंगी भाई, भाई ने इतनी प्यार से मेरे को गिफ्ट दिया है तो मैं ये ले लेती हूँ, लेकिन आईफोन लेके तो। चलो कोई नहीं, अब मैं वो वाला गिफ्ट देना चाहता हूँ जो आज तक मैंने अपनी बहन को कभी नहीं दिया, बट आज देने जा रहा हूँ। मम्मी आंखें बंद करो पहले, एक बार आंखें बंद कर लो भाई। ऐसे कितने सारे गिफ्ट हैं, आंखें बंद कर। एक गिफ्ट हो रहा है, खुश हो जाएगी आज, खुश हो जाएगी। ये भाई देख रहे हो, सबसे बड़ा गिफ्ट मेरी तरफ से मेरी बहन को, और मैं ये देना चाहता हूँ। अभी इसको बताऊंगा नहीं, इसको तब पता चलेगा, तब की तब देखी जाएगी। यहाँ से निकाला और भाई पूरे 50,000 रूपये गिफ्ट है, पूरे 50,000 रूपये का गिफ्ट आप लोगों के सपोर्ट से थारा भाई जोगिंदर अपनी बहन को देने के लिए जा रहा है ये तोहफा। आंखें बंद रखना, पता नहीं चलना चाहिए मम्मी। ऐसे क्या गिफ्ट है भाई? ऐसा कुछ भी गिफ्ट हो, सबसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गिफ्ट बताना मत मम्मी जी, आपको भी बता दो। सही भाई, ऐसे भाई आप खोल के देख ले एक बार क्या गिफ्ट है। यह भाई सोने की चैन, मेरी बहन मेरे को हमेशा ये बोलती थी, भैया मेरे को कुछ दे दो जो मैं गले में पहन लू 5,000 रूपये का। मैंने कहा छोटी चीज क्या दे, पूरे 50,000 रूपये की एक सोने की चैन एक तोले की मेरी लाडली बहन को, क्योंकि जिंदगी में एक बार त्योहार आता है एक साल के अंदर। ये भाई बहन का रिश्ता होता है ना, बहुत ही मजबूत होता है। ये खुश हो गई तो मैं खुश हो गया। बस मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से, हिंदुस्तान के जितने भाई मेरे को ये वाली वीडियो देख रहे हैं, कि जितना हो सके आप लोग अपनी बहन को गिफ्ट दो। कैसा लगा गिफ्ट? बहुत अच्छा लगा, गिफ्ट भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे को एप्पल फोन चाहिए भाई। ऐसा भाई मुझे हमेशा दे और सभी को दे, ऐसा भाई जो इतने बड़े बड़े गिफ्ट देते हो, मेरे लिए टाइम से आए, मेरे लिए फोन। भाई ये मम्मी यहाँ पर खड़ी है, मम्मी कैसा लगा गिफ्ट बताओ? अच्छा लगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? आज भाई मम्मी को कोई गिफ्ट नहीं दिया भाई, एक डिमांड हो रहा है, एप्पल फोन लूंगी मैं। भाई एप्पल फोन और दो इनको, और इतने गिफ्ट ले लूंगी, इतने गिफ्ट ले लूंगी। किसी ने सोची ना हो थारा भाई जोगिंदर। भाई मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरे फादर तो है नहीं, तो इनका फादर भाई भाई सब मैं हूँ अपनी बहनों का, मेरे को इनको ख्याल रखना पड़ेगा जो भी कुछ होगा। ये मम्मी है, मम्मी को मम्मी का गिफ्ट, आज मम्मी के लिए कोई गिफ्ट नहीं है। बस इतना कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान के जितने भाई है, भाई वीडियो को इतना शेयर करना ताकि हिंदुस्तान के हर कोने तक ये वाली वीडियो जाए, हर भाई अपनी बहन को कुछ तो कुछ ना गिफ्ट दे, चाहे 2 रुपए का। मैं भी जा रही, मेरा भाई भी देगा मुझे। आज आपका भाई क्या देगा? चलो कोई नहीं, आप भी लेकर आओ भाई, आज लूटने का दिन है। जितनी भी बहन है अपने भाई को लूटो, खुल के लूटो, जो मांगना है मांगो, त्योहार बार बार नहीं आता। गिफ्ट लेना, इतने गिफ्ट
गिफ्ट ही गिफ्ट लो जितना उसके। तो भाई ये गिफ्ट, एक गिफ्ट ये दे दिया, एक गिफ्ट ये, ठीक है, ये सोने की चैन अपनी रख। और भाई एक चीज और दे देता हूँ इसको, इसको टोपी ठावी खाने का बहुत ही शौक है, ये ले भाई 10 रुपए बहुत है भाई, 10 रुपए इतने दे सकता हूँ भाई, ये 10 रुपए ले, उसके ऊपर भाई खत्म, जेम करती खत्म हो चुकी है। 10 रुपए से काम चला लेती हूँ, लेकिन अभी तो एक डिमांड है, डिमांड एक और आईफोन की। भाई आईफोन अभी नहीं दिलाऊंगा, इसको पहले पढ़ने दूंगा, जिस टाइम अपने पैर पे खड़ी आएगी ना मम्मी, उससे पहले मैं इसको आईफोन फोन ही नहीं दूंगा इसको, तब तक पढ़ लिख, जिस दिन सरकारी जॉब ले लेगी ना, अपने पैर पे खड़ी आएगी, उस दिन तेरा भाई तेरे को अपना फोन दे देगा, गाड़ी भी देगा, जा जिंदगी में तू क्या याद रखी इस वाली बात को, पढ़ लिख, पढ़ेगी लिखेगी, ठीक है। अगर किसी चीज की भी जरूरत हो ना हिंदुस्तान के अंदर, अपने भाई को आधी रात बोल देना, किसी चीज की जरूरत हो मैं तेरे को दूंगा, पर फोन अभी नहीं दे सकता, ठीक है। 10 फोन ले ला, ये भी रख ला, खुश है, टोपी खा ले आराम से भाई, टोपी खाओ खुश रहो, फोन पाना भी नहीं, चटोरी है टोपी, ये चॉकलेट बहुत अच्छी लगी, तो भाई बहुत अच्छा लगा आज, हैप्पी भैया दूज सबको, कुछ कहना चाहोगी छोटी सी बात भाइयों के लिए? तो सभी को भाई हैप्पी दूज, तो ये भाई बहन का बहुत अच्छा प्यार होता है, और थैंक यू भाई आपने मेरे लिए इतना सारा तोहफा दिया। कोई नहीं कोई नहीं, बहन है मेरी खुश रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक सारा भाई जोगिंदर हिंदुस्तान के अंदर है ना, ये एक बहन ये सारी बहन को सबको गिफ्ट दूंगा, जितने भी बहन है मेरी, वो भी एक फोन नहीं एप्पल का, दो फोन नहीं, हिंदुस्तान में मेरी जितनी बहन है ना सबको फोन दूंगा, बस आप लोग पढ़ो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने पैर पे खड़ा हो, क्योंकि तब आपकी कल को शादी हो गई ना, शादी के बाद शायद क्या पता आपको फोन ना मिले, कैसा आपको पति मिले, कैसा ना मिले, तो उससे पहले पढ़ो लिखो और अपने पैर पे खड़े हो जाओ, इसे बोलते हैं भाई का श्री गिफ्ट भैया दूज। वीडियो अच्छी लगे तो भाई शेयर करना ज्यादा ज्यादा, हैप्पी भैया दूज। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, तो इस चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, बाय बाय।